नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो, बट सम मे नॉट बी एबल टू डू, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 11 है, टैन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स. टैन इनवर्स, ठीक है, वी हैव टू प्रूव पाई बाई फोर माइनस वन अपॉन टू वन अपॉन टू कॉस इनवर्स है. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. तो इसे प्रूव करने के लिए वी आर ऑब्जर्विंग दैट राइट हैंड साइड वी हैव कॉस इनवर्स है. So we can let in terms of cos x also, let x is equal to cos theta. Why we are assuming x is equal to cos theta? Because 1 plus cos theta, we can cancel this 1 also. No? If we put x is equal to cos theta, then it tan inverse. Left hand side will be tan inverse 1 plus cos theta one minus cos theta divided by same 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. So you can cancel by using the trigonometric function 1 plus cos theta. So, cos theta is equal to hota hai after 2 cos square theta minus 1. ठीक है, 2 cos square theta minus 1 की यूज करते हैं तो ये minus 1 कैंसिल हो जाएगा. और वी कैन यूज हियर इन दिस टर्म 1 minus 2 sin square theta. जैसी रिक्वायरमेंट है हम दोनों फार्मूलों का यूज कर लेंगे. प्लस वाले टर्म में ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं और माइनस वाले टर्म में हम ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं. अगर हम ये फार्मूला यूज करते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन से वन कैंसिल हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, टू का क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा. तो इट विल बिकम रूट टू कॉस थीटा एंड इट विल बिकम रूट टू साइन थीटा. In the same manner, you will get here root 2 cos theta minus root 2 sin theta. So root 2 we can cancel. ठीक है, root 2 से अगर हम root 2 common लेके cancel कर सकते हैं, we are dividing by cos theta also. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan inverse 1 minus tan theta 1 plus tan theta. क्या किया हमने, रूट टू कैंसिल कर दिया और डिवाइडेड बाई cos theta. ठीक है, cos theta से डिवाइड करने पर क्या हुआ, 1 minus tan theta 1 plus tan theta हो गया. 1 की जगह वी कैन राइट tan pi by 4. सो इट विल बी इक्वल टू tan inverse tan pi by 4. ठीक है, माइनस थीटा. पाई बाई फोर टेन ए माइनस के टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी. ठीक है, ये हमने पुट कर दी गई. After that, tan inverse tan we can cancel. This will be equal to pi by 4 minus theta. So pi by 4, okay, you are able to see, yes, pi
pi by 4 in place of theta. Theta की जगह we can write cos inverse x minus के cos inverse x. मगर there is a difference of 1 upon 2. Why 1 upon 2 is not coming? 1 upon 2. 1 upon 2, 1 minus to tan theta. Tan inverse tan pi by 4 minus to theta y 2 आना चाहिए, theta y 2. अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमने cos theta लिया था ना, ये आएगा theta y 2 आएगा, यहाँ पर भी theta y 2 आएगा, सॉरी ये theta y 2, यहाँ पर भी theta y 2, theta y 2, theta y 2, जो भी हम एंगल लेते हैं उसका यहाँ पर एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ना. तो यहाँ पर हमारा ये एंगल जो आएगा tan थीटा वाई टू आएगा, ये भी tan थीटा वाई टू आएगा, ये भी थीटा वाई टू आएगा, तो ये 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, 1 pi by 4 minus 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x. आपको दिखाई दे रहा है सबको, दोबारा बताऊं एक बार और बता देते हैं, ठीक है. हमने क्या किया, ये हमें cos इनवर्स x मिलाना था, जनरली ये 1 प्लस x है, तो x 1 कैंसिल करने के लिए हम cos थीटा वाला फार्मूला ही यूज करते हैं. तो हमने let x equal to cos थीटा let किया, फिर 1 को हमने कैंसिल करने के लिए cos के दे आर टू फार्मूलाज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin. तो वट एवर वी टेक द एंगल हियर द एंगल गेट हाफ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. After putting these values, root 2 we have cancelled in numerator and denominator. After that we divided by cos theta by 2. Cos theta by 2 से numerator denominator divide कर दिया. Then we get 1 minus tan theta by 2, 1 plus tan theta by 2. 1 की जगह हमने tan pi by 4 put किया, है ना? Tan इसको इसी open this bracket. What will we get? Tan pi by 4 1 minus tan theta by 2. ठीक है, अपॉन 1 पर tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स से tan वी कैन कैंसिल, ठीक है. तो pi बाय 4 माइनस थीटा, थीटा की जगह जो हमने लेट किया था वो हमने पुट कर दिया, x थीटा की जगह कितना लेट किया था हमने, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x आ गया, व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है. सेम इसी तरीके से आप जो है क्वेश्चन सेम हमने पहले भी किया है इसी टाइप का क्वेश्चन. देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 12. नाइन पाई बाई एट माइनस 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल टू 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, ये प्रूव करना, ठीक है. वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, है ना, दिस इज द ऑल टर्म्स आर लुकिंग ऑल, सब क्लियर तो भी है. 9 अपॉन 4, ठीक है, वी हैव टू प्रूव इन राइट हैंड साइड. तो 9 अपॉन 4 वी आर टेकिंग कॉमन. If we take 9 upon 4 common, we will get here pi upon 2 minus sin inverse 1 upon 3. We know pi by 2 minus sin inverse 1 upon 3 equal to 9 upon 4 cos inverse 1 upon 3. Okay. Now the answer they have given in the term of sin inverse. So if we want to convert it in sin, तो cos थीटा इज इक्वल टू अगर हम लेते हैं कितना 1 अपॉन 3, तो इट विल बी इक्वल टू 3 या 9, 9 माइनस 1 8, यानी कि √2 हो जाएगा, 2√2 अपॉन 3. तो यू कैन कन्वर्ट इनटू sin, यू विल गेट sin इनवर्स 2√2 अपॉन 3.
ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या काम किया, देखिए हमें जो है इस तरीके से तो ये टर्म जो थी वो और थी, है ना, नहीं समझ में आ रहा था व्हाट शुड वी डू, बट व्हाट एवर वी हैव टू, है ना, 9/4 जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम विच इज कमिंग इन लेफ्ट हैंड साइड आल्सो, तो वी हैव टेकन दिस वन। आफ्टर गेटिंग कॉमन दिस टर्म वी गॉट वी गेट द आइडिया हाउ शुड वी सॉल्व इट। तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो 9/4 साइन इनवर्स को हमने फिर साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 है आपका क्वेश्चन नंबर 13, देखो टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू कॉस एक्स है, ठीक है, कि यहाँ पर दोनों साइड में आपका टेन इनवर्स में आ रहा है, तो यहाँ पर टू टेन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई, वी विल गेट टेन इनवर्स टू एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव कॉस एक्स वन माइनस के एक्स स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू अपॉन साइन एक्स। तो tan इनवर्स इज टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ साइड, इफ यू टेक योर टेंजेंट ऑफ बोथ साइड वी विल गेट टू cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इक्वल टू टू अपॉन sin x। sin x से हम ये पावर 1 sin x कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो cot x इज इक्वल टू कितना हो गया, cot x इज इक्वल टू 1 हो गया, cot x is equal to 1 तो x is equal to pi by 4 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया x is equal to pi by 4। तो इसमें हमने क्या यूज किया, पहले तो हम दोनों का टेंजेंट अभी हम लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, तो पहले वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x 1 minus x square, here also we have converted into simplest form 2 upon sin x, tan इनवर्स है tan इनवर्स ही, we are cancelling or we are taking the tangent of both sides, so 2 cos x 1 minus cos square x sin square x, it is sin x to sin x we have cancelled, 2 say 2 cos x upon sin x is equal to cot x is equal to 1, so x is equal to pi by 4, so x is equal to pi by 4 is the solution of the given equation, we have to find out the solution of the equation only. देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन में लास्ट 14 वाले का आ गए, है ना, 3 क्वेश्चन आर लेफ्ट ओनली, 14, 15, 16, 17 ओके टुडे इज दिस इज देखो 14 है आपका, ये देखो इशू टेन इनवर्स टू वन माइनस एक्स divided by 1 plus x equal to 1 upon 2 tan inverse x। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ठीक है, सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इन सभी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो tan इनवर्स है 1 upon 2 tan इनवर्स है, तो 1 upon 2 tan इनवर्स है, तो वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग 2 tan इनवर्स x here, 2 वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 1 minus x upon 1 plus x
इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टू टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स टू इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में वी हैव tan इनवर्स x, तो वी कैन कैंसिल tan इनवर्स x, ठीक है। तो अब वी टेक द tangent ऑफ बोथ साइड, वी विल गेट टू वन माइनस x अपॉन वन प्लस x, वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू एक्स और वन माइनस वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर है, तो वन पावर वी कैन कैंसिल विद दिस वन, हियर वी गेट ओनली एक्स, ओनली वन से वन ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई, तो ये आ रहा है आपका टू माइनस टू एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स ये वाली जो टर्म है ये ऊपर चली जाएगी, ये आप इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो इसका ऐसे ही घर रहने देते हैं, यहाँ टू है वन माइनस एक्स, है ना, और यहाँ क्या बचा आपका टू एक्स और टू एक्स फोर एक्स, फोर एक्स को उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर को टू से हमें डिवाइड कर दो, यह आया आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, यानी कि वन इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री हो जाएगा, लेकिन जो आपकी जो वैल्यू है आपकी प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ये हम इसको पुट करके देखते हैं तो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो हम वैल्यू ले लेंगे, है ना, दोनों भी सेटिस्फाई कर सकते हैं तो दोनों भी आंसर हो सकते हैं, क्या ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, आंसर क्या है इसका 13 का, क्वेश्चन नंबर 13, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, तो दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन में पुट करके अगर दो आंसर आते हैं तो दोनों हम पुट करके देखेंगे, दोनों को अगर सेटिस्फाई करता है, यानी कि वन अपॉन रूट थ्री हम लेफ्ट साइड में भी रखते हैं और राइट साइड में भी रखते हैं, दोनों की सेम वैल्यू आती है, तो यहाँ पर आपको तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, इतना ये काम आप कर लेना, दोनों रख के आप चेक कर लेना, वन अपॉन रूट थ्री रखते हो सेटिस्फाई करेगा और माइनस वन अपॉन रूट थ्री रखते हो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो सेम सॉल्व करने का कोई डिफरेंट मेथड नहीं था, वही मेथड है जो हम पहले करते आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और सुबह आपका 16 में नहीं लिख देता हूँ, चलो पहले एक बन भाई बन करते हैं, साइन टेन इनवर्स है, ठीक है, ये साइन है टेन इनवर्स एक्स में दिया, तो इसको आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, बस और कुछ नहीं, अगर आप इसको साइन में कन्वर्ट करते हो साइन इनवर्स में कितना हो जाएगा, आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसको थीटा लैग कर लिया, तो एक्स अपॉन वन हो गया, इसे पाइथागोरस की अप्लाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 15 का जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि पार्ट डी पार्ट, फिर क्वेश्चन नंबर हम 16 करते हैं,
साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, है ना। ये आपके जो है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये 16 क्वेश्चन में आपकी ये माइनस टू साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, ये पाई बाई टू आ रहा है ना। अब बीच में अगर ये टू नहीं होता तो वी कैन टेक साइन ऑफ बोथ साइड, है ना। तो अब क्या करा जाए, वी कैन डू दिस वे माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, इसको हमने एडिटिव करने दिया, इसको लिखा हमने पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया माइनस टू साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, टेकिंग कोसाइन ऑफ बोथ साइड। अगर कोसाइन ऑफ बोथ साइड लेते हैं तो कॉस माइनस के टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस टू साइन इनवर्स एक्स। अब वी आर अप्लाइंग फॉर्मूला कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें साइन हो जाए वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया इक्वल टू वन माइनस एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर अभी हमें और इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो वन माइनस के तो वन से वन वी कैन कैंसिल, तो माइनस से माइनस भी आल्सो वी कैन कैंसिल, चलो इसको हमने लिख लिया माइनस के टू साइन, वन से वन कैंसिल किया गया हमने, माइनस के टू साइन स्क्वायर साइन इनवर्स है, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया इस तरीके से इक्वल टू माइनस है, तो माइनस से हमने माइनस कैंसिल कर दिया, साइन साइन इनवर्स है कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू एक्स, तो टू एक्स यू कैन टेक कॉमन टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू, तो वी आर गेटिंग टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक सेटिस्फाई कर रहा है एक नहीं कर रहा होगा, ठीक है, हो सकता है दोनों भी कर रहे हो, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है तो जीरो वाला आंसर सही हो जाएगा। तो जीरो अगर हम देखो इसमें रखते हैं तो साइन इनवर्स वन, ठीक है, ये कितना हुआ आपका साइन इनवर्स वन का मतलब फाइव बाई टू, ये जीरो हो गया, तो फाइव बाई टू इक्वल टू फाइव बाई टू हो गया, यानी ये जीरो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हम वन अपॉइंट टू पुट करते हैं तो सिर्फ वन अपॉइंट टू पुट करके देखते हैं, अगर हम साइन इनवर्स वन अपॉइंट टू हो जाएगा, यहाँ पर भी हमने वन अपॉइंट टू पुट किया, ठीक है, तो साइन इनवर्स वन अपॉइंट टू, तो ये जो है इट इज नॉट कमिंग इक्वल टू फाइव बाई टू के ऊपर नहीं आ रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलो इसको पहले जीरो हमारा क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा, उसको पहले आप देखो हमने कैसे किया है, जो टर्म दी हुई थी साइन इनवर्स वन माइनस एक्स गिवन था ना, माइनस के टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइव एक्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव टेकन दिस टर्म टू राइट हैंड साइड, फाइव नाइनटी माइनस थीटा है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू होता है ना, तो साइन इनवर्स की जगह कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स हो गया, तो कॉस को हम इधर ले आए, आप समझ लो कि वी हैव टेकन द कोसाइन ऑफ बोथ साइड, तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया वन माइनस एक्स हो गया, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कि कॉस टू थीटा का वो फॉर्मूला लगाया जो उसके साइन में लगता है ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन से साइन इनवर्स करेंगे तो साइन साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो एक्स की दे आर वी आर गेटिंग टू सोल्यूशन एक्स बराबर जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन, ठीक है। तो वन अपॉइंट टू वैसे भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन ऑप्शन में जीरो दिया हुआ है तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर हम डायरेक्टली वो इसको ही करेक्ट कर सकते हैं।
चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन रहता है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है, यू नो वी हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट सिक्स चैप्टर। दिस इज द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के सिक्स चैप्टर वी विल कंप्लीट आई थिंक, सिक्स चैप्टर वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट मंथ। Your syllabus will be complete by August only. So 17th question is the last question. Tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon x plus y. If tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon x plus y, इसको हमें ये tan inverse x upon y में given है, तो इसको भी हमने x upon y में convert कर लेते हैं। tan inverse x upon y, we are dividing by y. In numerator and denominator, x upon y minus 1 upon x upon y plus 1. We can write this term tan inverse x upon y minus tan inverse x upon y minus tan pi by 4 divided by 1 plus x upon y. You can write tan inverse x upon y minus tan inverse x upon y plus tan inverse tan pi by 4. So tan inverse x minus y upon 1 plus x y, है ना, tan pi by 4 भी लिख सकते हो क्योंकि 1 लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ tan inverse x minus tan inverse y, लेकिन आगे माइनस है तो इट विल बी माइनस, इट विल बी प्लस। तो यू कैन कैंसिल दिस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई विद दिस टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, टेन इनवर्स टेन वी कैन कैंसिल, इट इज इक्वल टू फाइव बाई फोर। तो फाइव बाई फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फाइव बाई फोर यानी कि सी पार्ट इज द करेक्ट सोल्यूशन। जस्ट सी वंस अगेन हाउ आई फोल्ड इट, tan inverse x upon y ko we have written as it is, I have divided with y in numerator and denominator. After getting division, we get the same form, right? tan inverse x upon y. So in place of 1, I have written tan pi by 4. Okay? So tan inverse x minus tan inverse y wala formula use karte hain, then we get this term cancel and the value is equal to pi by 4. So I have completed this exercise, beta. So you have to complete all four chapters, whatever we have done till now. Just try to show me as early as possible. Okay. Just check your notebook. Okay. Okay.